शुक्रिया। मेरा नाम सुनील सरफराज मांझी और मैं parkwheels.com के चेयरमैन जो कि इस इवेंट के मेन ऑर्गेनाइजर हैं जीबी कंपनी। सर सरफरंगा डेजर्ट 2019 के बारे में बताइएगा कि इसको करवाने का सबसे पहले ये बताइए कि मकसद क्या था और टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ये parkwheels का ये थर्ड एडिशन है सरफरंगा रैली का और मकसद ये कि हम लोगों ने अजम है हमारा कि पाकिस्तान के हर इलाके में हम लोग फोटो शूज रैलीज करते आ रहे हैं और सरफरंगा जो है एक रेगुलर इवेंट है और इंशाल्लाह ताला हर साल देखेंगे हुआ करेगा। टेक्निकल एस्पेक्ट के लिहाज से ये कि पहले साल इसका जो ट्रैक है वो छोटा था, इट वॉज अराउंड अबाउट 20 किलोमीटर। नेक्स्ट ईयर हमने इसको 39 किया था, इस दफ़ा इट्स अराउंड अबाउट 54 किलोमीटर्स। तो इस जिस तरह ट्रैक बढ़ रहा है, पार्टिसिपेशन बढ़ी, जहाँ आप देख सकते हैं जितने पाकिस्तान भर से रैली ड्राइवर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, हर सूबे से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, वो 2000 किलोमीटर को 3000 किलोमीटर सफ़र करके आए और सबकी बेसिक मकसद यही है कि जिस तरह का खूबसूरत ट्रैक ये है जिसमें आपको रॉकी पोर्शन भी मिलता है, सैंड भी मिलती है, पहाड़ भी हैं, साथ आपके दरिया चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इससे खूबसूरत जगह नहीं है रैली करने के लिए। एंड इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट वर्ल्ड कोल्ड डेजर्ट जिसके ऊपर रैली होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा अकरम, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से और मैं बलूचिस्तान 4x4 क्लब को लीड कर रहा हूँ और इस वक्त जो है हमारी तकरीबन अल्लाह के करम से 10 पार्टिसिपेंट जो लोकल हैं वो इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं और मेरी बलूचिस्तान के बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप आएँ इस बड़े नामवर नामी ग्रामी रेसर्स के साथ अपनी गाड़ी को दौड़ाएँ और अपना बलूचिस्तान का एक नाम पैदा करें और इस इवेंट से जो फ़ायदा इस इलाके को हो रहा है उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और बेरोज़गार लोगों के रोज़गार को बढ़ाने की कोशिश करें। और मुझे बड़ी खुशी हो रहा है कि मैं पाकिस्तान के नामवर रेसर के साथ अपनी गाड़ी दौड़ा रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। जल्दी आया सो गाइज, हम ये रेसिंग स्पॉट से एज ये क्या कहते हैं डेजर्ट रैली है तो आपको हर जगह अच्छे स्पॉट्स नहीं मिलते, आपको डेजिग्नेटेड स्पॉट्स पे जाना पड़ता है अच्छे शॉट्स निकालने के लिए। मेरे ऊपर से ड्रोन घुसरा, इसकी आवाज़ है, काफ़ी ड्रोन्स हैं यहाँ पे एंड दिस इज़ एन इंटरनेशनल रैली तो काफ़ी इंटरनेशनल आवाम आई हुई है। जर्मनी से 4 रेसर्स आए हुए हैं और ये मेरे सामने गाड़ी गुजर रही है, यू कैन सी इट इन द बैकग्राउंड। बल्कि मैं शॉट ही ले लेता हूँ यार। तो आपने अभी देखा कि इस तरह आपको एक जगहों पे जाना पड़ता है, हम स्पॉट से काफ़ी 1 किलोमीटर दूर हैं और आज पता चला फोटोग्राफी पेशेंस का काम है क्योंकि आपको एकदम अच्छा शॉट नहीं मिलता, आपको कोई आधे 1 घंटे बाद जाके एक अच्छा शॉट मिलता है। सो अभी
ड्रोन का मेरा चार्ज ख़त्म हो गया था, शुक्र यहाँ पे चार्जिंग स्पॉट बना हुआ था, तो वहाँ जाके रिमोट चार्ज करेंगे। रिवर राफ्टिंग होगी यहाँ पे, उसके लिए ब्लाइंड लेक जाएंगे। मेरा पहले भी व्लॉग है ब्लाइंड लेक पे, आपने देखा होगा, आज हम दोबारा वहाँ पे जाएंगे। सो साथ रहिएगा। आपको नहीं मिली? हम आपको ही ढूंढ रहे थे, किधर है? यार मैं इधर था। Marco with us. Marco will tell us a bit, starting from, tell us a bit about Pakistan, Marco. Yes, I'm Marco from Italy, and I spent like 1 month in Pakistan, and I'm so happy. This is my last week in Pakistan, and I spent a very good time. I rented a motorbike from Gilgit, okay. And
I travel around in the north, so okay. The people, the food, the place is amazing. Okay. So I'm so happy. Okay. And thank Shikaria people because. Okay. Thank you so much, Marco. Tell us a bit about the Sarfaranga rally. Did you like it? Or how was the rally overall? Yes, it's amazing. It's a very big valley. There are also the desert cold, so. Okay. It's very beautiful. Really. Thank you so much, Marco. Yeah, thank you. It's nice meeting you.